अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक आ रही है। अपने पूरे हैदराबाद में एक ही चीज ट्रेंडिंग पे चल रही वो ये है, अपने कुकटपल्ली में मच्छी की मार्केट लगी करते। अब ये देखने के वास्ते लोग इतने बेताब हो जा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं लाइना लगा के ठहरे टिकट खरीदने के वास्ते। और मच्छियां भी कोई चिंदी मच्छियां नहीं है, मलेशिया सिंगापुर के मच्छियां हैं, वो रुबाब दिखा रहे थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना मटक मटक के जा रहे। ग्राइंडर के अंदर बैठे तो कैसा महसूस होता है, अगर देखना है तो ये झूले के अंदर बैठ जा सकते। तो अब ये देखते ही कटप्पा को कैसा मानना बोल के प्लानिंग आप बाद में करो। पब्लिक बहुत आ रही, इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक जाम रहता है और वीकेंड्स पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती। सो द लोकेशन इज कुकटपल्ली, द बेस्ट वे टू रीच हियर इज बाय टेकिंग मेट्रो। और एक काम कर सकते, गाड़ी को मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में लगा देना और ये एस्केलेटर लेकर ऊपर आ जाना। ऑब्वियसली यू हैव टू बाय द टिकट ऑफ बालनगर एंड प्राइसेस आर रीजनेबल। एक्सपो तक पहुंचने के वास्ते अपने को बालनगर की टिकट लेना पड़ता और ट्रेन में इन्हें दरवाजे बाएं जानिब खुलेंगे बोलते बोलते अपना टाइम पास कर देता। और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऊपर से शहर का नजारा देखने को भी मिल जाता। और एक महीना ये एक्सपो रहने वाला है और वीकेंड पे चले गए तो इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं घंटों लाइनों में ठहरना पड़ता। सामने आप देख सकते हैं टिकट काउंटर लिखा हुआ है, अडल्ट टिकट 150 है और छोटे बच्चों की टिकट है 120 रुपए। और जो इतने लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग लाइन में खड़े हैं टिकट खरीदने के लिए। और एक बार ये टिकट हाथ में आती है मच्छी के पेट में जाना पड़ता। अब ये मंजर देखती है ऐसा दिखता कि अरे लाइना खत्म हो गया, अब सीधा सीधा अंदर चल जा सकते। लेकिन यहाँ भाई को टिकट देने के बाद अंदर का आलम कुछ इस तरह का था। अगर आपको ये पब्लिक और रश अवॉइड करना है, आप नॉर्मल दिनों में आ सकते हो और दिन के वक्त तो ज्यादा पब्लिक भी नहीं रहती और इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाती। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको ये कलर कलर के चिन्ह मिन्ने चुलबुले मच्छियां देखने को मिलते। पहले ये कुछ एक्वेरियम्स बने हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये काली वाली मच्छी तो बहुत पसंद आई और खासकर छोटे बच्चे ये मच्छी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। ये सी हॉर्स है कहते, कहीं से भी इन्हें घोड़ा नहीं दिख रहा। और ये स्टार फिश है, इससे तो काम धंधा कुछ भी नहीं होता, खाली चिपकेवा रहता। अब ये छोटे मोटे मच्छियों के चक्कर में अपन अरापायमा से मिलना भूल गए। अब अरापायमा बोलती ही कुछ भी नको समझो, ये भी एक मच्छी का नाम है। ये चाहे देखिए अरापायमा बाजी, ये खाते पीते घर गए और इनका वेट है 60 किलो। अब बकरा जुबा करे तो भी 20 किलो गोश्त नहीं निकलता, लेकिन इनके पास से आराम से 40 किलो निकल जाता। लेकिन इन्हों कटने वाले नहीं है, इनको नुमाइश के वास्ते रखे 6 लाख रुपए के। इन्हों पूरे मुर्गी के दुकान वाले परेशान हो जा रहे, रोज का 1.5 किलो चिकन इनोज खा ले रहे और इतने ज्यादा तंदुरुस्त है इन्हों, इनको देखते कि फिश बिरयानी की याद आ जाना। अब 6 लाख के नो बोल के बाजी भी बहुत घमंड में रहते, कैसा पोजा मार लेते जा रहे आप लोग देख सकते। यहाँ पे 3000 से ज्यादा वैरायटी के फिश है और 500 डिफरेंट स्पीशीज है गते। और पहली बात तो ये है कि वो 6 लाख की मच्छी बेचते नहीं और बेचे तो भी EMI के ऊपर खरीदना पड़ता। जैसे ही एक्वेरियम्स खत्म होते उसके बाद में ये 180 डिग्री का टनल है। टनल के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद में बाहर निकले बाद में कुछ मंजर इस तरह का रहता। जहाँ तक खाने पीने की चीजों की बात है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस बेच रहे थे। और जहाँ तक लेडीज की शॉपिंग के आइटम्स की बात है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो तो रीजनेबल रेट्स में लग रहे थे। जैसे ही शॉपिंग का सेक्शन खत्म होता है उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स वगैरह का सेक्शन शुरू होता है। अब ये टेबल के अंदर तो क्या की गिच्ची दिख रही, किधर भी डाले तो लेफ्ट साइड में जा रहा। और यहाँ पे इनाम आता है, ऐसा लगा है पूछो नको। अब ये पीछे फोटो देख के थोड़े लोग खुद को बाहुबली समझ लेते हैं, लेकिन वैसा सीन नहीं है। और थोड़ा आगे जाती है चिकन की हलीम, जूस की दुकान और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी खाने पीने के लिए।
वाटर और जॉय राइड के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है क्योंकि ये वीकेंड है। तो यहाँ पे ये लास्ट जॉय राइड था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जिट हमारा आ चुका है और एक महीना ये एक्सपो रहने वाला है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।